गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चलो आज फटाफट करते हैं आज का व्यू। आज का व्यू हमारा बैंग ऑन था। व्यू के लिए हमने कोई वीडियो बनाया नहीं था, बट चैनल में हमने व्यू डिटेल में डाला था। ऐसा कोई लेवल नहीं है जो आज मार्केट ने टच नहीं किया हमारे हिसाब से। अगर आप हमारी व्यू देखो बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमने 19,930 का लेवल दिया था बाइंग का, ब्लाइंड का ऑलमोस्ट। और हमने 920 से बाइंग करी थी यहाँ से अराउंड 920, और ये मूव यहाँ तक हमने पकड़ा था, सेल हमने नहीं पकड़ा था। देन अगेन वन मोर बाइंग फ्रॉम हियर, 19,300 से हमारी बाइंग थी और हमारा व्यू था 600 तक जाएगा। ये 610 गया ऑलमोस्ट और उसके बाद थोड़ा गिरा। 300 से यहाँ तक एक हमने बाइंग ली थी, उसके बाद मैंने बोला था कि मार्केट शायद ऊपर ना जा पाए, कि ये गिर रहा था, क्योंकि व्यू ये था कि 1900-300 से 600 थोड़ा बिना रुके जाए। पर ठीक है, एनीवे ये गया, कुछ बंदों ने हमारे ग्रुप में लिया, बट मैंने सिर्फ ये वाला पकड़ा। और फिर उसके सबको पता है मैं जनरली 1-1.5 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, तो आज हमारी सिर्फ दो ही ट्रेडिंग थी। और पैसा हमने कितने कमाया तो चैनल में ऑलरेडी हमने डाल दिया है, ऑप्शंस में भी हमने पैसे कमाए आज। हाँ, जो बाइंग ली थी वो बाइंग में थोड़ा सा लॉस है अराउंड 3,000, पर टोटल प्रॉफिट आज का अराउंड 1.2 लाख के आसपास है। दैट 3,000 कल हम देखेंगे कवर होता है या नहीं होता है। कल का जो प्रॉफिट है वो व्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। निफ्टी हमारा है ऑफकोर्स 10,500 का सी है। कल मैं उसका दिखा दूंगा, क्योंकि कल मैं कट कर दूंगा। थर्सडे के लिए मैं कोई ओपन पोजीशंस रखूंगा। निफ्टी भी अगर आप देखोगे, हमने एग्जैक्टली यहीं पे बाइंग दी थी और जिस जिसने बाय किया उन लोगों ने एंजॉय किया होगा। और निफ्टी आज हमने लाइव मार्केट में भी हेल्प करने की कोशिश करी है। कल भी हम लाइव मार्केट में देखते हैं, हेल्प करेंगे, राइट। और स्टॉक्स रिलेटेड भी कुछ व्यूज दिए थे हमने, बट ठीक है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। कल के व्यू के लिए आप ब्लैक लेवल याद रखिए। कल के बैंक निफ्टी की जो बैक लेवल है ऑन द अपर साइड 21,100, याद रखिए। पहले ब्लैक लेवल बता देता हूँ, 21,100 एंड 20,900, ओके, ये रेजिस्टेंस के काम करेंगे। और आपकी जो है सपोर्ट साइड 20,200 और 20,100, इसमें कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है मैं अभी बता देता हूँ। निफ्टी के ब्लैक लेवल्स मैं दे देता हूँ ताकि आप लोग ड्रॉ करने में आपको इजी हो। 10,200 ऑन द रेजिस्टेंस साइड, 10,100 स्ट्रांग और वीक की बात मैं करूँगा। ऑन द डाउन साइड 9,900 एंड 9,850 ये रेंज है, और ये रेंज के अंदर निफ्टी कल काम करेगा। व्यू हम एक बार देख लेते हैं, सिनारियोज क्या हो गया हमारी। सिनारियोज जो हमारी है, पहली चीज, लोग बहुत सारे बुलिश होके पड़े हुए हैं, बहुत बहुत बुलिश पड़े हुए हैं, बट डेटा के हिसाब से मुझे मार्केट, मैं अभी तक इतना बुलिश था, ये व्यू ऐसा व्यू आपको किसी ने दिया नहीं होगा जो व्यू मैंने दिया है पिछले 4 दिन से। कुछ लोग मार्केट गिरा रहे थे और बाद में अभी बुलिश हो गए हैं। स्टार्टिंग में बोल रहे थे ये पूरा मंथ में FIA डेटा, ऑप्शन चेन बियरिस दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, पता नहीं क्या देख रहे थे। जो भी है ठीक है, बाकी लोगों की बात करके हमें कुछ फायदा नहीं है। हमारे व्यूज बैंग ऑन है, लास्ट वीक भी कोई भी व्यू गलत नहीं गया है और आज का वीक भी व्यू सही जा रहा है। कल का व्यू सबको थोड़ा सा शायद हैरानी होगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट कल शायद इतना बड़ा बुलिश ना रहे। मार्केट आज के जैसा या कल के जैसा या लास्ट वेडनेसडे थर्सडे जैसा बुलिश बुल रन शायद ना दे। उसके पीछे रीजन मेरे बहुत हैं। बुल रन मतलब 500 पॉइंट तो दे ही देगा बैंक निफ्टी जैसा लग रहा है। तो अगर व्यू हम देखें, ब्लैक लेवल आपने नोट कर लिया, व्यू अगर देखें, ये हमारी एक बड़ी जोन है सेल की। मेरी R2 यहाँ पे है 21,100 के आसपास, और मेरी सेलिंग जोन चालू हो जाती है 21,060 के आसपास। तो ये 21,060 टू 21,100 और ब्लैक लेवल भी यहाँ पे है डेटा के हिसाब से, तो और ये हमारी लास्ट ब्लैक लेवल है ऊपर साइड में, ठीक है ना। तो ये मैंने कल भी लिखा था, वीडियो तो नहीं बनाई थी, लिखा था कि 21,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी कभी भी जाता है आप एक ब्लाइंड सेल ले सकते हो। कितना बड़ा सेल देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इट माइट गिव ए 200-300 तो दे ही देगा, बट 800 पॉइंट, 900 पॉइंट, 800 पॉइंट, कैन इट गिव, इट कैन गिव, नो गारंटी, बट 200-300 पॉइंट्स आप सेल ले सकते हो। ये हमारी एक कल की तगड़ी सिनारियो बन जाती है इफ बैंक निफ्टी एवर
टचेस 21,100, तो 200 पॉइंट तो हम गारंटेड लेके जाएंगे। R1 तक भी ले सकते हो आप, अराउंड 275 पॉइंट्स। इन स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर आपको अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। स्पॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। 21,100 से हमारी एक सेलिंग आती है, अगर मार्केट कल यहाँ तक पहुँच जाता है तो। मार्केट कल किधर खुलेगा इसका गारंटी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डेटा के हिसाब से तो अभी फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट दिखा रहा है, बट कल लेट से लोगों ने जोश में मार्केट ऊपर खोल दिया। अगर सबको पता है, अगर ये 20,800 के ऊपर मार्केट खुलता है, 20,812 15 ले लो, 20,815 के ऊपर मार्केट खुलता है, दैट मीन्स 300 पॉइंट्स अप। आप सेल नहीं करोगे, आप बाई लोगे और मार्केट यहां तक जाएगा। मार्केट 21,050 तो जाएगा, 100 तक शायद चला जाए, 21,050 तक मार्केट जाएगा बिफोर गिविंग ए सेल, और आपको बाइंग मिलेगी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स की बाइंग है, ठीक है। ये बाइंग साइड की है और यही रेंज सेलिंग साइड से, ठीक है। अगर मार्केट यहां से चालू करता है गैप अप होके, तो 250 पॉइंट की बाइंग है। मार्केट कभी भी यहां पहुंचता है, हमें 250 पॉइंट की सेलिंग है। एवरीबॉडी इज क्लियर? स्ट्रांग रेजिस्टेंस, जो मैं स्ट्रांग वीक की बात बोल रहा था, स्ट्रांग ये है 21,100, ठीक है। बट क्या 20,900 से सेल आ सकता है? आ सकता है, बट इसकी स्ट्रेंथ इतनी बड़ी नहीं है रोकने की, ठीक है। क्योंकि अगर ये यहाँ पे ओपन हो गया, ये यहाँ पे ओपन हो गया तो फिर शॉर्ट आपको मिलेगा नहीं वैसे, और ये छोटा रेंज है तो ये काट देगा, इधर चला जाएगा। एक ब्लैक लेवल है, ये ब्लैक लेवल आपको कब यूज होगा? ये ब्लैक लेवल आपको यूज होगा जब अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो प्राइस एक्शन देख के, ओके। ऊपर वाले सिनेरियो आपको याद हो गए, बाइंग सेलिंग दोनों है, आप ध्यान से देखना। नाउ मुझे जो लगता है, अगर थर्सडे को मार्केट को ऊपर रहना होगा, ग्लोबल मार्केट अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव है, पूरा मार्केट का अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव है, मुझे लगता है कल थोड़े से बड़े मूव आएंगे दोनों साइड, ऊपर और नीचे, ठीक है। दोनों साइड आएंगे आपको बड़े बड़े मूव। तो अगर मार्केट यहाँ पे पहुंचता है, जैसे मैंने पहले तो सेलिंग यहाँ तक लेना है, क्या पता ये नीचे गिर जाए, बट यहाँ तक लेनी है। बट अगर कल एक सिनारियो ये भी है, कल अगर लेट से मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता भी है, R1 तक पहुंच नहीं पाता, और यहीं से कहीं से 20,700 800 के आसपास से सेलिंग देता है, अगर सेलिंग देता है और ये लेवल काट देता है 20,615, तो बड़ा सेल लेके जाना। बड़ा सेल मतलब कहाँ तक लेके जाओगे कल? बड़ा सेल अगर आप लोगे यहाँ तक, ये जो हमारी ये स्ट्रांग सपोर्ट है, ये वाली स्ट्रांग सपोर्ट है, ये येलो लाइन हमारी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अगर मैं रेंज ले लूँ, इतने सारे लेवल नहीं लेते हैं, रेंज अगर ले लें तो यही रेंज ले लो ना, 20,200 टू 20,180, 20 पॉइंट का ही रेंज है, बहुत छोटा है बैंक निफ्टी के लिए। सो आप 20,200 का लेवल ले लो, मार्केट कितना भी जोर से गिरे ये लेवल कल इसको रोकेगा, और फिर यहां से आपकी बाइंग आएगी, ठीक है। ठीक है, तो अगर मार्केट कल गैप अप होके रेड रेड बनाना चालू करता है, थोड़ा वेट करो। अगर 20,615 काट दिया तो यहां तक तो लेके जाओ, 300 पॉइंट तो लेके जाओ, 323 वैसे आएगा, यहां तक 200 तक आएगा, 20,200 तक आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। जैसे मैंने आज निफ्टी में मॉर्निंग में ही बोला था, अगर आप डिस्कशन ग्रुप में हो, मैंने बोला था देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी टू गो 9,980, और यहीं तक गया ये, ठीक है ना, 10-15 पॉइंट ऊपर गया, बट ठीक है यहीं तक गया, इसलिए मॉर्निंग में आज मैंने किसी को सेल के लिए बोला नहीं था, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता कल 20,200 के नीचे दिन भर में कभी भी आ सकता है, तो इस लेवल के नीचे आप मार्केट को एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की कल की रेंज हो जाती है 20,200 से 21,000, मतलब 800 पॉइंट्स की रेंज है हमारी। कल देखो ये लेवल तो टच करेगा, या तो ये ऐसे आएगा गिरेगा,
यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है या फिर यहाँ तक, है ना। या फिर अगर ये ऊपर से खुला, खाली R1 खुल गया ना, तो 12 बजे तक सेल मत करना, 11:30 तक सेल मत करना, 11:30 के बाद सेल करना, ठीक है। बट अगर R1 के नीचे रेजिस्टेंस आ जाता है तो आपको बड़ा सेल कल मिल सकता है। अगर ये मॉर्निंग में होगा ना, ये बहुत फटाफट सेल देगा कल, अगर ये सेल होनी है। मतलब 20,700 से अगर मैं सेल ले लूँ ये मिडिल पोर्शन से, 20,700 से ये वाला 20,300 यहाँ तक, 400 पॉइंट ये 15-20 मिनट या आधे घंटे में ही दे देगा, देखना, ठीक है। अगर इसको देना होगा, नीचे आना होगा, क्योंकि जाना इसको अल्टीमेटली ऊपर है, तो ये पहले नीचे खत्म कर देगा सारे प्रीमियम, फिर ऊपर जाके, ऊपर धीरे धीरे जाके प्रीमियम खत्म करेगा, ठीक है। इसका थ्योरी और साइकोलॉजी अलग है, ठीक है। सिनारियो याद रहेगा ना कि ये रेंज पे सेल कहाँ पे करना है, बाय कहाँ पे करना है, और यहाँ पे सेल कहाँ पे करना है, और यहाँ पे बाय कहाँ पे करना है, चार ही सिनारियो है। ये बीच में तो बहुत बड़ा वाइड स्पेस है, तो मैं कुछ बोल लूंगा नहीं कि कैसे आपको ट्रेड करना है, फटाफट कर लेते हैं, टाइम कम बचा है। निफ्टी का जो सिमिलर लेवल है, ब्लैक लेवल मैंने बता दिया है, निफ्टी जो है सिमिलरली, ये R1 है, ये हमारी सेल जोन था, बट ये बीच में घुस गया है। इसको अगर निफ्टी को गिरना होगा तो कल यहीं से गिरेगा, R1 से पहले गिरेगा, मतलब 10,050 से पहले गिरेगा, जो नीचे वाला सिनारियो में बोल रहा था। आप यहाँ तक लेके जाओ 9,950, ठीक है। 200 पॉइंट आप मार्केट लेके जा, सॉरी 100 पॉइंट आप निफ्टी में नीचे लेके जा सकते हो, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। मार्केट कितना भी जोर से कल गिरे, ये लेवल कल आपको रोकेगा, 9,900 का जो लेवल है, और ये वाले लेवल, ये ज़्यादा स्ट्रांग है, 880, 9,880 एंड 9,900 की जो लेवल है, ये रेंज कल आपको मार्केट को डाउन जाने से रोकेगा, और यहीं से आप बाइंग ले सकते हो। बाइंग आपको 980 से आ सकती है, 900 से आ सकती है, 910 से आ सकती है, इसलिए मैं रेंज दे रहा हूँ। ये लेवल से कहीं पे भी बाइंग आएगी, मार्केट कितना भी जोरदार कल गिरे, इसके नीचे मार्केट को एक्सपेक्ट मत करना निफ्टी में। जैसे बैंक निफ्टी में बोला 19,200 के नीचे मार्केट जा नहीं सकता, निफ्टी 19,880 के नीचे जा नहीं सकता, दिन भर बहुत रेयर है। ऊपर साइड पॉसिबिलिटी, ये नीचे साइड के हो गए, ऊपर साइड की पॉसिबिलिटीज क्या है, निफ्टी अगर R1 के ऊपर ओपन हो जाता है, गैप अप ही ओपन हो जाता है, मतलब 10,050 के ऊपर ओपन हो जाता है, तो आप सेल नहीं करोगे, आप उल्टा बाय लोगे, और बाय लोगे आप पहले 50 पॉइंट्स का बाय लोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है आपको, ये जाएगा 10,150 तक इजिली। नाउ दिस 10,150 एंड 10,100 आर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस। बैंक निफ्टी में वैसा नहीं है, बैंक निफ्टी में लास्ट वाला रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी में ये वाला रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। 150 में एक है, मैं दिया नहीं, बट डाल सकते हैं, 200 की जगह एक्चुअली 150 लेके जाओ, 150 लो, 200 बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को कल निफ्टी, बट जा भी सकता है, बट 100 to 150 ये वाला जो जोन है, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, तो थोड़ा देख के गेम खेलना, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ से कल गिरता है ना, तो ये जो R1 हमारी है 10,050, यहाँ पे एक बार स्टॉप लेगा, वो स्टॉप मतलब बाइंग देगा 50 पॉइंट का, और फिर गिरना होगा तो इसको ये नीचे गिरेगा। इसीलिए ऊपर साइड से दोनों इंडेक्स का अगर व्यू आप मिला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये R1 के ऊपर गैप अप करके कल डाउन देगा, पॉसिबिलिटीज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो व्यू जो बन जाता है कि ये R1 के नीचे से सेल दे, और जो सपोर्ट एरियाज मैंने बताई है निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिर यहाँ से बाय देखें, ये सब काट के 10,150 10,200 तक पहुँचे, और बैंक निफ्टी आपकी एटलीस्ट 20,000 21,000 तक पहुँचे नीचे से। दैट इज द सिनारियोज गाइज, बाकी मैं लाइव में बताऊंगा, आज पता नहीं कैसे बोला हूँ, बट आप देख लेना वीडियो, लेवल्स आप डाल लेना, CPR तो आपके पास सही है, खाली ब्लैक लेवल आपको लगाना है, और ये येलो लेवल लगा देना जो मैंने डाला हुआ है, देख के वीडियो में, और बाकी कल जो होता है वो देखते हैं। हर हर महादेव, ठीक है। बाकी गुड नाइट, जय माता दी, कल मिलेंगे, थैंक यू।